हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ फेमस खिलाड़ी और उनकी पुस्तकों के बारे में बताऊंगा। इन पुस्तकों से लगभग हर परीक्षा में एक प्रश्न बन ही जाता है। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले कुछ खिलाड़ी और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको देख लेते हैं। पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी, उनकी पुस्तक है प्लेइंग इट्स माई वे। युवराज सिंह जी की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगली पुस्तक है कपिल देव जी की पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। पीटी उषा जी की पुस्तक है गोल्डन गर्ल। साइना नेहवाल जी की पुस्तक है प्लेइंग टू विन। एमसी मैरी कॉम जी की पुस्तक है अनब्रेकेबल। संजय माजरेकर जी की पुस्तक है इम्परफेक्ट। सौरभ गांगुली जी की पुस्तक है सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अगर नोट्स बनाने का मन हो तो इन 7-8 पुस्तकों को आप एक जगह लिख लीजिएगा। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव हैं 16 और 17 अप्रैल को, उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, जोसेन चिनप्पा और दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित हैं? ए लॉन टेनिस, बी बैडमिंटन, सी टेबल टेनिस या डी स्क्वास। इसका ऑप्शन सही है डी, स्क्वास से संबंधित हैं। इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबर किस देश की मिसाइल है? ए भारत की है, बी पाकिस्तान की है, सी चाइना की है या डी बांग्लादेश की है। इसका ऑप्शन सही है बी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की है, इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ये स्क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए गोलकुंडा में किया, बी बीदर में किया या सी बरार में किया या बीजापुर में किया। इसका ऑप्शन सही है डी बीजापुर में। नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन बीजापुर में किया, ये किया था 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर किसे इंग्लैंड की महारानी ने घोषित किया? ए प्रिंस जॉर्ज, बी प्रिंस हैरी, सी प्रिंस ऑफ वेल्स या डी प्रिंस ऑफ कैम्ब्रिज। ये किया है बी प्रिंस हैरी को। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्या नाम है जिसने नियुक्ति के 2 दिन बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ए जॉन कार्टर, बी जनरल लर्नर, सी विलियम बेंज या डी जॉन डेप। इसका ऑप्शन सही है बी जॉन लर्नर ने 2 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज अभिनेता को राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? ये महाराष्ट्र सरकार देती है। पहला ऑप्शन अमिताभ बच्चन, दूसरा धर्मेंद्र, तीसरा सलमान खान या चौथा शाहरुख खान। तो इसका ऑप्शन सही है बी धर्मेंद्र जी को मिला है ये अवार्ड। अगला प्रश्न है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए चेन्नई में, बी कोलकाता में, सी दिल्ली में या डी इंदौर में। इसका ऑप्शन सही है सी दिल्ली में, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ई वे बिल सिस्टम कितने राज्यों में लागू होगा? ए 5, बी 6 या सी 4 या चौथा ऑप्शन 3, 3 राज्यों में लागू होगा। तो इसका जवाब सही है ए 5 राज्यों में ये सिस्टम लागू होगा। वो 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरला और उत्तर प्रदेश। और इनके बारे में कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू जी और यहाँ के राज्यपाल हैं ई एल नरसिम्हन, और तेलंगाना के हैं
चंद्रशेखर राव जी और यहाँ के भी जो गवर्नर हैं वो ESL नरसिम्हन हैं। गुजरात की मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी और यहाँ के राज्यपाल जो हैं OP कोहली जी हैं। केरला के जो CM हैं पिनरई विजयन हैं और यहाँ के राज्यपाल पी सदाशिवम हैं। और उत्तर प्रदेश के तो पता ही है हमें कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी और राज्यपाल राम नाईक जी हैं। तो ये ई-वे बिल सिस्टम जो है 5 राज्यों में लागू होगा और इसके अंतर्गत जो है राज्यों के बीच आपसी माल के परिवहन के लिए बनाई गई है ई-वे बिल सिस्टम परियोजना। अगला प्रश्न है, ITBP की पहली महिला ऑफिसर ऑफिसर प्रकृत किस राज्य की रहने वाली हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्रा या डी बिहार। तो प्रकृत जी जो हैं वो डी बिहार की रहने वाली हैं, समस्तीपुर ज़िले से। और जो ये हैं इनकी एज जो है 25 वर्ष है और ITBP इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहली महिला ऑफिसर नियुक्त की गई हैं ये। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई भारत में? 16 अप्रैल 1953, 16 अप्रैल 1948 या 18 अप्रैल 1853 या 16 अप्रैल 1853 को। इसका ऑप्शन सही है डी, 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र में मुंबई के रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी और ये बहुत ही धीमी गति की ट्रेन थी। आज इसका 165वां वर्ष हो गया है और ये जो है बोरी बंदर, मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी 34 किलोमीटर के मध्य। तो शो थैंक यू फ्रेंड मेरे चैनल पर आने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आने के लिए।